माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स व्लॉग्स। तो आज यहाँ से निकल रहे हैं गुड़गांव से, और ये रहा सचिन भाई। बाय बाय ब्रो, मिलते हैं दोबारा, ठीक है? ओके मनोज भाई, खड़े हो लो, चलो चले। भरत भरत तू चलाएगा आज या मेरे को चलाने दे? चलानी चलाने देगा तो चलानी है, मैं चला लूँगा, मेरे को क्या दिक्कत है। चलो आज गाड़ी मैं चलाऊँगा, तो अभी चलते हैं यहाँ से बस। जाते जाते भैया से भी मिल लेते हैं। कैसे हो भैया? हम जा रहे हैं सारे, बात तो नहीं है, बोर तो नहीं हुए? घर घर वालों से भी तो मिलना है ना, बहुत दिन हो गए। वापस कब आ रहे हो? वापस जब आप पुलाव आ जाएंगे। जाओ ही मत। अरे अभी तो जाना पड़ेगा, देखो। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, सपोर्ट करते रहो बस आप। चले भाई दोस्तों, चलो ठीक है भाई सचिन, ओके बाय। भरत भाई, ये तू स्टारबक्स का ग्लास रख रखा है तूने अपने पास, फेंका नहीं? 400 रुपए का ग्लास है ये, इसीलिए नहीं फेंका इसने। भरत क्या ने कुछ काम दिया था यहाँ पे, बुक्स वगैरह लेनी है तो वो ले लेते हैं पहले। तो पहले रास्ता पूछा था कि कहाँ पर है, तो अभी चल रहे हैं अंदर कॉलेज के। यहाँ से शुरू हो गया है कॉलेज, अंदर चलो भाई। गर्ल्स हॉस्टल के पास जाने, वैसे हमें एंट्री दे दी इन्होंने गर्ल्स हॉस्टल के लिए, चलते हैं। थैंक यू मैम। तो ये मिल गई हमको फाइल्स, ओके तो चलते हैं हिसार की तरफ। तो वैसे घर जाते जाते मौसम तो बहुत बढ़िया हो गया है, बारिश आ रही है, मस्त वाली बारिश आ रही है, और मुझे लग रहा है हिसार जाते जाते तक पूरे रास्ते बारिश आएगी, क्योंकि वहाँ पे भी मौसम ऐसा था और हिसार में भी कल मैंने सुना बारिश आई थी बहुत बढ़िया। तो चलो देखते हैं हिसार तक रहती है नहीं रहती। और खाना वगैरह कहाँ खाना भाई? हल्दीराम। अरे वाह क्या बात है, हल्दीराम पे खाना खिलाएगा आज मनोज हमें, वो देखते हैं कौन सा हल्दीराम आता है बीच रास्ते में। तो आज हम आ गए तपस्या परांठे वाले पे दोबारा से। मनोज और मैं तो आए हुए हैं एक बार ही पहले भी, और हमने परांठा खाया था और बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन आज उससे बड़ा ऑर्डर करेंगे। भरत ने नहीं खाया था, तो भरत को मैंने बोला कि आज तेरे को भारत का सबसे बड़ा परांठा खिलाते हैं। तो भाई ऑर्डर यहाँ देना है ऊपर देना है? सीढ़ियों से, लेकिन इन दोनों को नवाबी चाहिए पूरी बढ़िया, आए हैं लिफ्ट से। चलो भाई चलो अंदर चलो। इस बार तो फिर भरत ने एक्स्ट्रा लार्ज बोल दिया है, तो देखते हैं कितना बड़ा साइज आता है। क्या बात भरत, एक्स्ट्रा लार्ज खा लेगा भाई? मिलके तो खाएंगे, लेकिन बहुत ही बड़ा है, देखना तुम चौंक जाओगे जब आएगा। बिल्कुल क्या? अरे भाई इससे तो बड़ा है, इससे बड़ा है, आने दे फिर देखते हैं। भाई साहब ये आ चुका है परांठा सबसे बड़े वाला। ओ भाई साहब पूरी टेबल कवर कर ली। भरत हैरानी हुई? ओ भाई बहुत बड़ा। अच्छा मेरे कहने से हुई? क्या बात है, मेरे कहने से इसको हैरानी, बाकी वाकई में बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो करते हैं इसको ख़त्म। नहीं खाया गया ना भरत इतना बड़ा है? चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। कैसा लगा परांठा खा के? इतना परांठा खा लिया है बोल भी नहीं पा रहा। खैर नींद आ रही, गाड़ी में चलाऊंगा, पूरे रास्ते नहीं दी तूने तो मैं चलाऊंगा ही। कितना बिल हो गया भाई? वैसे भरत बताएगा कि भरत को कैसा लगा टेस्ट परांठे का। अब थोड़ा सा नीचे जा चुका है, पहले यहाँ तक भर गया था इसका पेट। तो बता भाई। भाई परौंठे बड़े सही थे, एक ही परौंठा था पर बढ़िया था, पर खाया नहीं गया। अच्छा खाया नहीं गया, एक्स्ट्रा लार्ज बोलेगा तो कहाँ से खाया जाएगा भैया। तो चलो हमने पैक करवा लिया, और फाइनली भाई ने मुझे गाड़ी दे दी है, और अब हिसार तक मैं ड्राइव करूँगा। वैसे पूरी ट्रिप पे मुझे एक बार भी गाड़ी नहीं दी गई। एक बार ली थी भाई तुमने? बस एक बार। क्या लेके आया था? क्या लेके आया था पता? कोल्ड ड्रिंक लाया था बस, और कुछ नहीं लाया था।
बाकी चलो चलते हैं सर, घर पहुंचाते हैं ना आराम से भाई, चिंता क्यों कर रहे, चलानी आती है, बाकी तो पता लग ही जाएगा है ना, पहुंचेंगे तो ठीक है वरना तो जयराम जी की। तो फाइनली मेरे को रेस्ट करने का मौका मिल गया है और इसने स्टीयरिंग व्हील हाथ में ले लिया है निखिल ने, अभी तक तो ठीक चला रहा है गाड़ी, देखो कब तक चलाता है, कब तक नहीं भाई, सात तक बढ़िया चलाएंगे, बढ़िया चलाएगा और नहीं तो। कितना एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का? हो गए 5-6 साल तो हो गए। अच्छा, फिर इधर कैमरे में देखा है, सड़क पे देख रहा हूं मैं तो, सड़क पे देख बता रहा हूं। चलो तो अभी आप कृपया करके हमें डिस्टर्ब ना करें, हम गाड़ी चला लें। वाह पहली बार अच्छी बात, सामने रिकॉर्ड कर लीजिए पूरी, आपको रिकॉर्ड करना है तो पूरी ट्रिप में पहली अच्छी बात करी है, करनी पड़ती है कभी, समझदार वाली बात पहली बार करी है, सामने वाला बेवकूफ है तो मेरे को भी समझदार वाली बात करनी पड़ेगी, पूरी ट्रिप में पहली बार की बोली नहीं बहुत। जैसा कि आपने देखा मौसम बहुत अच्छा हो गया है, मौसम वाकई में बहुत बढ़िया हो गया है भाई, बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया है। हाँ। तो भी चल रहे हैं हिसार की तरफ, और हिसार यहाँ से कम रह गया होगा 70 किलोमीटर के आसपास, 60 किलोमीटर है वैसे, चलो 60 ही है, ड्राइवर साहब बता रहे हैं, ड्राइवर बना दिया कोई बात नहीं, सही बता रहे होंगे, तो 60 किलोमीटर रह गए हैं और अभी छोटी छोटी बूंदे भी आ रही है बारिश की, तो अच्छा लग रहा है राइड करके, आप भी देख लो। तो जैसा कि आपने देखा बारिश हो गई है बहुत तेज, तो और निखिल को थोड़ा सा पैनिक हो रहा है, बाकी अब ठीक है, थोड़ी सी कम हो गई है। निखिल भाई मैं तेरे साथ हूँ, तेरे को डर लगे मेरे को गाड़ी पकड़ा दियो, अरे पतंग उस्ताद है भाई, मतलब तो मनोज तो भाई हमको देख रहा है भाई, मनोज वैसा की पॉइंट देगा गया 10 में 10 नंबर, इसको 8 नंबर, चलो देखते हो तो घर जाके क्या मिलेगा। फाइनली मैं तो आ गया हूँ घर, ओके बाय भरत, कैसा रहा भाई निखिल? बढ़िया ट्रिप था, बढ़िया ट्रिप था, अगली बार कोई और बढ़िया जगह चलेंगे, तो अभी चलते हैं, मनोज बाय। और नमस्ते मम्मी, कैसे हो है? मिस किया? है? बहुत किया। अच्छा चलो मैं नहा तो लेता हूँ और फिर दुकान पे जा रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसे मम्मी ने तो नहाने से मना कर दिया और बोली कि ऐसे ही चला जो शॉप पे, तो मैं अभी पापा से मिल लेता हूँ, और मुझसे पहले गोलू भी मिल रहा था। भैया इतने दिनों से कहाँ घूम फिर रहे थे? मैं तो यार तुम व्लॉग्स नहीं देखते मेरे? देखते हो तो तुम्हें, चलो ठीक है, ओके ओके, बहुत बड़े, मैं चलता हूँ बाय। नमस्ते पापा। नमस्ते, कैसे हो? बढ़िया, आप सुनाओ? मैं भी बढ़िया। आप कैसे हो? बढ़िया। घूम फिर आए? हाँ घूम फिर आए। हाँ मौज मस्ती हो गई? हो गई। और तो पापा मैं ना जिम जा रहा हूँ, ठीक है? इतने दिन हो गए, मनुज आ गया था, मनुज बोला क्या करेगा जिम जाके, तो मैं जाके आ रहा हूँ, ठीक है? यार 8 बज गए हैं, जिम तो क्या ही जाएंगे, परसों से जिम कंटिन्यू करते हैं, और जो कैमरे का सामान था वो ले लेते हैं, कुछ डाटा केबल वगैरह चाहिए भी, तो चलते हैं अभी। नमस्ते भैया। नमस्कार जी, कैसे हो? बढ़िया सर। एक मैं गया हुआ था, बताया तो था आपको, वैसे इसका कुछ सामान लेना है, एक तो ये है डाटा केबल यहाँ लगेगी जो जिससे फाइल ट्रांसफ़र होगी, और एक माइक है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, तो पूछते हैं मिलेगा या नहीं, मिल जाएगा भैया देखना ही। तो ऐसा है डाटा केबल तो मिली नहीं, डाटा केबल के बदले में हमें कुछ और मिला है जिससे हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, जैसे कि कार्ड रीडर, मेमोरी कार्ड है उस कैमरे में तो कैमरे से ट्रांसफ़र कर लेंगे, बट माइक वगैरह अभी तक नहीं मिला है, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा कल स्ट्रगल करूँगा, क्योंकि यहाँ पे तो सारे मना कर रहे हैं कि यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, तो देखते हैं हिसार में कहीं ना कहीं तो मिल जाए, कल मिलेगा तो देखते हैं। और आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से जाके लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।